देखो आज के इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई लाइफ के एक एन्यूटी प्लान के बारे में जिसका नाम है एसबीआई लाइफ स्मार्ट एन्यूटी प्लस। और यहाँ पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है जिनका उम्र 60 साल के ऊपर है, वो नॉर्मली एन्यूटी स्कीम वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आज के इस वीडियो में जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन के लिए करेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपका उम्र जो भी हो आप खुद भी चीजों को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ का जो कैलकुलेटर है हम सिंपली उसी का यूज करेंगे। तो इस एन्यूटी स्कीम के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको 50 से 1 लाख रुपए का मंथली इनकम चाहिए तो इसके लिए आपको वन टाइम कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि भाई एन्यूटी का मतलब होता क्या है। तो देखो एन्यूटी का सिंपल मतलब यह होता है कि आप किसी कंपनी के स्कीम में वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हो जिसके बदले में आपको रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। या तो दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप किसी कंपनी के प्लान में मान लो कि आपने 10 साल तक पैसा डिपॉजिट किया और 11वें साल से आपको रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं एन्यूटी। अब यहां पर जो एन्यूटी है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इमीडिएट एन्यूटी और दूसरा होता है डेफर्ड एन्यूटी। अब ये इमीडिएट एन्यूटी क्या होता है, तो इमीडिएट एन्यूटी के अंदर सिंपली ये होगा कि मैंने आज एक साथ में पैसा किसी कंपनी के बैंक में डिपॉजिट किया और अगले महीने से मुझे जो रेगुलर इनकम है मंथली वाला वो मिलना स्टार्ट हो गया, यानी कि इमीडिएट यानी कि फटाफट रेगुलर फटाफट से मिलना स्टार्ट हो गया। सेकेंड होता है डेफर्ड एन्यूटी। अब ये डेफर्ड एन्यूटी के अंदर क्या होता है, तो मान लो आज आप किसी कंपनी के प्लान में 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करोगे और 11वें साल से आपको इनकम मिलना स्टार्ट होता है। मान लो किसी पर्सन का एज 45 ईयर और उसके रिटायरमेंट में अभी 15 साल अभी बाकी है, तो उसको अभी रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं क्योंकि उसका सैलरी तो आ ही रहा है, तो उसको पेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा करेगा कि किसी कंपनी के डेफर्ड एन्यूटी प्लान में पैसा इन्वेस्ट करेगा 15 साल तक और जब वो रिटायरमेंट के एज पे आ जाएगा तो 15 साल पूरा होने के बाद में उसको रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एसबीआई वाला प्लान है, इसके अंदर भी आपको या तो इमीडिएट या तो डेफर्ड एन्यूटी जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहां पे हम इमीडिएट एन्यूटी की ही सिंपली बात करेंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कितना 50,000 से 1 लाख का इनकम के लिए कितना पैसा डिपॉजिट वन टाइम करना होगा इसको समझने के लिए हम सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पर मैं सिंपली आ चुका हूं गूगल पे और यहां पर आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है एसबीआई लाइफ स्मार्ट एन्यूटी प्लस और इसके बाद यहां पर आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का वेबसाइट दिख जाएगा। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा एंड यहां पे चाहिए तो आप जो पूरा डिटेल्स है एसबीआई लाइफ स्मार्ट एन्यूटी प्लस का वो डिटेल्स आप चाहे तो यहां पे पढ़ सकते हैं, यहां पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि इस प्लान का फीचर एडवांटेज क्या है, प्लान का बेनिफिट क्या है। आप यहां पे जो इनका ब्राउजर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे जो इंपॉर्टेंट बातें इस प्लान के बारे में ये सारी चीजें लिखे हैं, तो आप डाउनलोड करके इस चीजों को सिंपली पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पे मेरा तो पर्पस है कि सिंपली मैं आपको प्रीमियम को कैलकुलेट करके दिखा दूं, तो यहां पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा कैलकुलेट प्रीमियम के ऊपर और यहां पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने में इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली आपको आपका डिटेल्स डालना है। यहां पे पूछा है कि भाई आपका इनकम क्या है, तो मैं सिंपली 10 लाख से ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूं। बेसिकली हमें क्या करना है, वन टाइम तो पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसके हिसाब से कितना पैसा बना है, तो इनकम तो कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहां पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहां पे प्लान ऑप्शन, आप कौन सा प्लान ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, इमीडिएट एन्यूटी कि डेफर्ड एन्यूटी। तो यहां पे हम सीनियर सिटीजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इमीडिएट एन्यूटी चाहते हैं कि भाई रिटायर्ड हो चुका हूं, मुझे मंथली इनकम मिलना बंद हो गया तो मुझे पेंशन चाहिए, तो इमीडिएट एन्यूटी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पे लिखा है कि भाई आप प्लान किसके लिए परचेस करना चाहते हो, सेल्फ लाइफ की ज्वाइंट लाइफ, तो भाई अगर आपकी कोई स्पाउस है तो आप ज्वाइंट लाइफ सिलेक्ट करना, अगर आप सिंगल है तो सेल्फ लाइफ सिलेक्ट करना। उसके बाद यहां पे बोला है कि भाई परचेसिंग एन्यूटी फॉर किसके लिए परचेस करना चाहते हो, खुद के लिए कि दूसरे के लिए, तो मैंने यहां पे सेल्फ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां पे जो भी एन्यूटेंट है यानी कि जो एन्यूटी बंदा परचेस कर रहा है उसका नाम, उसका लास्ट नेम, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना। और यहां पे अगर आपका कोई स्पाउस है यानी कि आप हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, तो अगर आपने ज्वाइंट लाइफ लिया है तो उनका भी इंफॉर्मेशन यहां पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि क्या आप एसबीआई में काम करते हैं या तो रिटायर्ड हुए वहाँ से, तो हमने सिंपली नो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली कैलकुलेट के ऊपर आ जाएंगे और चीज़ें कैलकुलेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके का पेज देखने मिल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इमीडिएट एन्यूटी प्लान ऑप्शन, और यहाँ पे आपको जनरली दो तरीके का ऑप्शन देखने मिलेगा और यहाँ पे आपके एज के हिसाब से आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ डाला होगा, जो भी प्राइमरी बंदा है, तो यहाँ पे मेरा 60 साल निकल गया है, मेल यहाँ पे निकल गया है, तो 60 ईयर के लिए क्या क्या पे क्या प्रीमियम बनेगा उसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट एंड सर्वाइवर 100% एन्यूटी और यहाँ पे लास्ट एंड सर्वाइवर 100% एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। तो पहले वाले का मतलब यह हुआ कि जब तक जो बंदा एन्यूटी परचेस कर रहा है वो जिंदा है, उसकी स्पाउस जिंदा है, तो उसके डेथ के बाद में जो उसकी वाइफ है या तो वाइफ का डेथ हुआ है तो जो हस्बैंड
है उनको पेंशन मिलता रहेगा, और जब दोनों का डेथ हो जाएगा तो जो पेंशन है वो मिलना बंद हो जाएगा। सेकेंड वाले ऑप्शन का मतलब ये है लाइफ एम सर्वाइवर एंड 100% एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। इसका मतलब ये है कि जब तक हस्बैंड वाइफ जिंदा है तब तक एन्यूटी मिलता रहेगा, और दोनों के डेथ के बाद में एन्यूटी मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जो वन टाइम पैसा डिपोजिट किया होगा, जो इन्वेस्ट किया होगा, वो पैसा इनके नॉमिनी को, इनके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में उनके फैमिली मेंबर को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में बोला है कि तुम्हारा जो परचेज प्राइस है वो हम तुमको वापस कर देंगे। तो यहां पे मैंने सिंपली पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, और जो भी मैंने आपको बात बताई है वो सिंपली यहां पे भी लिखा हुआ है। आप सिंपली वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, और यहां पे जो इनका ब्राउजर है वो ब्राउजर भी दिया, उसको भी डाउनलोड कर लेना। बाकी का इन्फॉर्मेशन यहां से भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने सिंपली पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, और हमें हर महीने का कितना पेंशन चाहिए, तो हमें हर महीने का 50,000 रुपीज का पेंशन चाहिए। तो यहां पे मैंने सिंपली 50,000 डाल दिया, और यहां पे मंथली चाहिए तो मैंने मंथली पे सिलेक्ट किया, और यहां पे मैं सिंपली कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका महीने का कितना पेंशन, मतलब हर महीने 50,000 के लिए आपको वन टाइम कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन होकर आ चुका है कि आपको हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए विदाउट जीएसटी आपको 85,80,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, और विथ जीएसटी जिसका जो भाव है वो 87 लाख, यानी कि तकरीबन 87 लाख के अराउंड में आपको पे करना पड़ेगा हर महीने 50,000 रुपए का इनकम देने के लिए, अगर आप एक सीनियर सिटीजन, आपको उम्र 60 साल के करीब है। तो अब यहाँ पे मैं एक और कैलकुलेशन करूंगा कि अगर मुझे हर महीने 1 लाख रुपए का पेंशन चाहिए तो उसके लिए कितना हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको भी हम सिंपली कैलकुलेट करके देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद चीजें काफी आसानी से कैलकुलेट करके दे देता है। तो यहां पे सिंपली कैलकुलेशन भाई आ जाओ फटाफट। तो यहां पे देखो कैलकुलेशन आ चुका है कि आपको हर महीने 1 लाख मिलेंगे, इसके लिए आपको विथ जीएसटी 1,74,43,802 रुपीज के अराउंड में पे करना पड़ेगा, यानी कि 1,75,00,000 के अराउंड में मान लो आपको पे करना पड़ेगा हर महीने अगर आपको 1 लाख रुपए का पेंशन चाहिए उस केसेस में। इसके अलावा यहाँ पे तो मैंने ये सिलेक्ट किया कि हस्बैंड डेथ के बाद में किसको भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कि भाई हस्बैंड डेथ के बाद में जो एन्यूटी का जो भी हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा मेरे फैमिली मेंबर को मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमें अगर ये वाला ऑप्शन, अगर मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया और मुझे हर महीने 1 लाख रुपए का पेंशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको भी हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, लेकिन ये चीजें कैलकुलेट करके दे चुका है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि देखो 1,89,90,000, यानी कि 1,90,00,000 रुपए का आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको हर महीने 1 करोड़ रुपए का, हर महीने 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए, और यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के डेथ के बाद में जब तक वो जिंदा है तब तक तो हर महीने पैसे मिलेंगे, और दोनों के डेथ के बाद में जो आपका 1,90,00,000 रुपया है वो आपके नॉमिनी को, आपके फैमिली मेंबर को वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बाय इसको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसीड करोगे, तो इस तरीके से जिस तरीके से आप ये बेसिकली फॉर्म फिल करोगे ना, तो जो एसबीआई लाइफ का कस्टमर केयर है वो सिंपली आपको कॉल कर देंगे, या तो आप चाहे तो ऑनलाइन इस तरीके से भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन करने का कोशिश किया स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन के लिए, बाकी अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है तो यहां पर भी आप अपने एज के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इमीडिएट एन्यूटी चाहिए या तो डेफर्ड एन्यूटी चाहिए। तो ये दोस्तों एक बेसिक सी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।